गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज आप देख सकते हैं कि आज हमको यहाँ पर पैनल को पैनल फिट करना है, माउंट करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है इन पर चढ़ने के लिए। तो हमने यहाँ पर क्रेन मंगाया है, तो हमने ऐसा बेस बनाया है, देख सकते हैं आप। हाँ, जैसी है हम चढ़ेंगे इसके ऊपर और वेल्डिंग पैनल वगैरह रखेंगे आराम से। पहले वेल्डिंग होगी पूरे इसके ऊपर, एक एक उसमें वो रखा जाएगा ऐसा पाइप जिसमें वो माउंट करते हैं पैनल को। देखें आप, बने रहिए हमारे साथ। लग नहीं जाए, देख के आराम से देखा दे आ जाता। और तो देखिए, हमने यहाँ पर फ्रेंड्स वेल्डिंग स्टार्ट कर दी है। हमने स्क्रीन की मदद से यहाँ पर सचिन चौधरी और उनके सहपाठी को चढ़ाया है, क्योंकि तो ना वो जो खड़े हुए हैं दिखा नहीं पा रहे हैं किसी कारण में। देखिए वेल्डिंग, दोस्तों जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा, हमने हाइड्रा मंगाया था क्योंकि इसकी हाइट बहुत लंबी थी, 35 से 40 फुट की हाइट थी। तो हाइड्रा की सहायता से हमने पल्डिंग में स्ट्रक्चर में पल्डिंग लगा के वेल्डिंग करी है पूरी। तो इसमें हमें वेल्डिंग में करीब 4 दिन लग गए थे वेल्डिंग करने में स्ट्रक्चर में, जैसा कि वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये मैं ही वेल्डिंग कर रहा हूँ, ये हाइड्रा के ऊपर जो मैं बैठा हूँ ये मैं ही लगा रहा हूँ इसमें। तो दोस्तों ये हमने सक्सेसफुली ये साइट कंप्लीट कर दी थी, तो बहुत जल्दी हम दूसरी साइट अप करने जाएंगे 180 KVA की। तो दोस्तों ये जालौर में पड़ता है, राजस्थान जालौर, ये गुजरात बॉर्डर के पास है, जोधपुर के पास में ही पड़ता है ये। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ। अब यूट्यूब पर हम वीडियो डाला करेंगे, क्योंकि हम वीडियो डालते नहीं थे पहले, इतना हमें टाइम नहीं मिल पाता था। तो अब वीडियो टाइम निकाल के वीडियो दोस्तों आपके लिए ज़रूर डाला करेंगे हम। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ।
अगर जैसा कि आपको हमने अपनी पहली वीडियो में बताया था, जैसे पिछली वीडियो में, कि हमने ये टीन शेड का पूरा इंस्टॉलेशन कर दिया है 40 किलोवाट का, और अब हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं ओपन शेडिंग में 50 किलोवाट का कनेक्शन। देखिए इसको यहाँ पर हमने क्या है कि ये इसको पैनल माउंट करने के लिए ये पल्लिंग होते हैं, इनको वेल्ड किया है पूरा। इसको वेल्ड करने के लिए हमने मंगाया है हाइड्रा, ये देख सकते हैं आप इसको, ये हाइड्रा है। और ये हमारे टीम मेंबर सचिन चौधरी और हमारी हमारे साथ हमारे कुशल कारीगर ये हैं, वेट हो रहे हैं किस प्रकार ये वेल्डिंग कर रहे हैं। बस ये हमारे आखिरी पल्लिंग है, उसके बाद यहाँ पर हमको पूरे पैनल माउंट करना है और इस काम को आज ही हमें रात तक फिनिश करना है, जिससे कि हम अपनी अगली साइट पर विजिट कर सकें टाइम पर। ओके, थैंक यू सो मच।
दोस्तों जो फ़ोटो में हमारे साथ दिखाई दे रहे हैं ये हमारे दोस्त शिवम वर्मा हैं और ये बराबर में संदीप भाई हैं कंपनी के इंजीनियर और ये प्रभात भाई हैं। और जैसा कि दोस्तों हम एंजॉय करते हुए हैं भीनबाल में, ये जैन मंदिर है बहुत माना हुआ, तो उसका फ़ोटो है ये आपको दिखाई दे रहा होगा। एक ये साइड भीनबाल की थी, यहाँ 70 KVA का सिस्टम में फॉल्ट आया था तो हम वहाँ सही करने गए थे। तो दोस्तों जर्नी बहुत अच्छी रही हमारी और 90 KVA का प्लांट हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन किया गया था 100%। करीब 11 महीने के लगभग हो गए हैं, 1 साल होने वाली है, प्लांट अभी भी 100% सक्सेसफुली चल रहा है। और दोस्तों बहुत जल्दी हम दोबारा जालौर हो सकता है जा सकते हैं 180 KVA की साइट करने। तो दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ।